इस बीच एक बड़ी खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। दरअसल आम आदमी पार्टी को इस बीच एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पूर्व मंत्री राजेंद्र गौतम पाल ने पार्टी का हाथ छोड़ करके अब कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। और पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से जुड़ी ये जानकारी आपको बता रहे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी इस दौरान मौजूद थे और उन्हीं की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामा है। तो फिलहाल ये उस दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में शामिल हुए थे और आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका माना जा रहा है। तो एक ओर जहां आम आदमी पार्टी लगातार हर राज्य में अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है, अपनी पैंट जमाने की कोशिश कर रही है, तो इस बीच ये बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को। और साथ ही एक और इस बात को भी समझिए कि जहां पहले से आम आदमी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के साथ में है, यानी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा आम आदमी पार्टी भी है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी से निकल करके कांग्रेस में शामिल हुए हैं पूर्व मंत्री। और साथ ही साथ देखिए, राजेंद्र पाल गौतम जब कांग्रेस में शामिल हुए हैं तो अब ये देखना होगा, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि हरियाणा के टिकट बंटवारों को लेकर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कुछ ना कुछ तनातनी की खबरें देखी गई थी, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर की डिमांड दोनों ओर से की जा रही थी। और अब ये बड़ा झटका, आम आदमी पार्टी से एक नेता निकल करके कांग्रेस का हाथ थाम लेते हैं। और मेरी लड़ाई कोई एमएलए एमपी मंत्री बनने की नहीं है, कभी नहीं रही। जिस चीज की लड़ाई, अगर वो लड़ाई वहां जाके वहां रह के नहीं लड़ सकता, तो अननेसेसरी मैं उनको दुखी करूं या वो मुझे दुखी करूं, उसकी जरूरत क्या है। वो अपना जो उनका अपना क्षेत्र, उस पर काम करें। और मैं अपने सामाजिक न्याय की लड़ाई जहां से आगे बढ़ती देखेगी वहां मुझे जाना चाहिए। और आज मुझे लगा कि चूंकि जो हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनका खुद का जीवन संघर्ष से भरा रहा है, और राहुल गांधी जी का पूरे परिवार का जीवन संघर्ष से भरा रहा है, और वो आज अगर सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, अगर वो हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रहे हैं कि सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी भागीदारी होनी चाहिए, और वो मैं करके रहूंगा। उन्होंने यहां तक कहा कि ये मेरा राजनीतिक मिशन नहीं है, मेरे जीवन का मिशन है। इस बात ने कहीं ना कहीं मेरे दिल में जगह की, तो मैं अपने सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आज कांग्रेस को ज्वाइन किया, और उन्होंने मुझे बड़े सम्मानपूर्वक ज्वाइन कराया।